नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। कसाई घर में कटने जा रही थी गाड़ी, सीसीटीवी से सुराग लगाकर पहुंचा गाड़ी मालिक, फिर क्या हुआ? दोस्तों, एक गाड़ी मालिक जिसने ऐसी ठानी कि उसने न पुलिस का सहारा लिया न किसी का, खुद ही ऐसा काम कर दिया कि आप उसे सल्यूट करेंगे, लेकिन उसके बावजूद उसके जीवन में दर दर की ठोकरें लिखी गई हैं। जी हाँ, उसकी कहानी कुछ ऐसी लिखी गई है कि उसकी किस्मत में अब सिर्फ और सिर्फ धक्के लिखे हुए हैं। क्या है ये कहानी, चलिए आपको बताते हैं। गाड़ी मालिक जिनके पास गाड़ी थी आयशर की, रजिस्ट्रेशन नंबर है UP 32 SN 0509। 2 मार्च को इनकी गाड़ी चोरी हो जाती है। लखनऊ में ड्राइवर के घर के पास पार्किंग किया करते थे। सुबह एक दिन जब 2 मार्च को देखा तो वहां गाड़ी नहीं थी। सीसीटीवी में देखा तो पता लगा कि मलिहाबाद पंप पर तेल डलवाया गया था चोरों के द्वारा। लगभग 2,000 रुपए का तेल उन्होंने डलवाया, ऐसा बताया गया। उसके बाद जब इन्हें यकीन हो गया कि गाड़ी चोरी हुई है तो FIR भी करवा दी लखनऊ के पारा पुलिस स्टेशन। इनके पास इंश्योरेंस भी थी, क्लेम भी ले सकते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने सोचा कि अपनी गाड़ी ये खुद ढूंढ लेंगे अगर कोई इनकी मदद नहीं करेगा तो। टोल पर सीसीटीवी खंगाले, यहाँ वहाँ सीसीटीवी खंगाले, कई चोर रास्ते थे, उसे चोरों ने यूज किया। मालिक ने हार नहीं मानी, हर तरफ गए। आखिरकार 8 मार्च को अपने दृढ़ निश्चय के साथ जब ये चले तो इन्होंने अपनी गाड़ी को ढूंढ निकाला। जी हाँ, एक स्क्रैप यार्ड में से अपनी गाड़ी इन्होंने ढूंढ ली, लेकिन गाड़ी की हालत कुछ ऐसी थी कि बॉडी अलग की जा चुकी थी। संबल उत्तर प्रदेश में 8 मार्च को इन्हें अपनी गाड़ी मिली। चेसिस नंबर चेंज कर दिया गया था, इंजन नंबर चेंज कर दिया गया था। बॉडी बेच दी 80,000 में, और इस गाड़ी में फिट की जा रही थी वो बॉडी जिसमें चिकन वगैरह ढोया जाता है, लेकिन आगे की जो बॉडी थी वो जस की तस थी, जिसकी वजह से गाड़ी मालिक अपनी गाड़ी को तुरंत पहचान गए। उसके बाद जब पूरी तरह से ठोक बजा लिया, अपनी गाड़ी को पूरी तरह से पहचान लिया, तब इन्होंने पुलिस की सहायता ली, वहाँ पुलिस वालों को बुलवाया और अपनी गाड़ी कस्टडी में ली। अब सोचने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि यूपी नंबर की गाड़ी थी, HR नंबर यानी कि हरियाणा नंबर की प्लेट लगी हुई थी। अब ये भी कहीं ना कहीं चिंता की ही बात है कि ये नंबर प्लेट जो हरियाणा की लगाई गई, ये किसकी थी? इस नंबर प्लेट की वजह से कोई दूसरा गाड़ी मालिक भी तो परेशानी में आएगा। आखिर ये हो क्या रहा है जिसको देखो धड़ल्ले से नंबर प्लेट चेंज करके गाड़ी चला लेता है, कहीं कोई पकड़ा नहीं जाता। ये तो थी कहानी गाड़ी मिलने तक की। इसके बाद गाड़ी मालिक के साथ जो हुआ वो दर्दनाक था। गाड़ी मालिक ने पुलिस तो बुला ली, वहाँ से चोर पकड़े भी गए, कुछ भाग गए। अब गाड़ी इनकी खड़ी है पुलिस थाने और कोर्ट में केस चल रहा है, और अब पूरे प्रोसेस के बाद इन्हें इनकी गाड़ी मिले। गाड़ी तो इन्होंने अपने बलबूते ढूंढ ली, लेकिन अब सिस्टम से ये कैसे जूझें और सिस्टम से कैसे पार पाएं, क्योंकि अपनी गाड़ी इनको चलाने को नहीं मिल रही है। 8 मार्च को गाड़ी मिल गई थी, तब से अब तक इनकी गाड़ी खड़ी है, इनको नहीं मिल रही। अब इतनी मेहनत, इतनी जद्दोजहद आखिर इन्होंने क्यों की? और हाँ, एक जद्दोजहद आप भी कीजिए, अपना इंश्योरेंस करवाइए ट्रांसपोर्ट मॉल से 90-833-90-833 पे, ताकि आपका चलान होने से बच सके, आप किसी परेशानी से बच सके। अब यहाँ एक बात और सोचने वाली है, सिस्टम की ही बात कर रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से इन्होंने गाड़ी ढूंढी, 1-2 चोर पकड़े भी गए जो जमानत पर फ्री हो गए, आजाद घूम रहे हैं, लेकिन यातना झेल रहा है तो गाड़ी मालिक। इतने प्रयास करने के बाद भी शोषित खुद को महसूस कर रहे हैं सिस्टम की वजह से। अब कब इनको गाड़ी मिलेगी, कब इनके हवाले होगी पता नहीं, लेकिन तब तक ये जूझते रहेंगे। और इतनी कोशिश करके अपनी गाड़ी हासिल करने के बाद भी इनके हाथ कुछ नहीं लगा। इस वीडियो को देखकर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Facebook और Twitter पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ट्रांसपोर्ट टीवी का काम पसंद आ रहा है तो आप हमें सुपर थैंक्स दे सकते हैं। सुपर थैंक्स कैसे देना है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।